फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ चेयर के कुशन। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है फॉर्म, ये थोड़े अगर मोटे हो तो भी बहुत अच्छे रहेंगे। कॉटन के कुछ क्लॉथ लिए हैं हमने जो कि पुराने हैं, सीजर, थ्रेड, इंच टेप। तो चलिए सबसे पहले हमें चेयर की जो है मेजरमेंट के हिसाब से हमें इसे सर्कल गोल कर कट कर लेना है। अगर आपकी चेयर चौकोर है, स्क्वायर शेप में है, तो आप उस हिसाब से इसे कट कर लें। अब हमें इसे कट करने के बाद पुराने जो क्लॉथ हैं उसे इस तरह से हमें रखना है और इसके मेजरमेंट के हिसाब से हमें राउंड करके पुराने क्लॉथ को कट कर लेना है। तो इसके जगह आप साड़ी या फिर बेडशीट यूज कर सकते हैं। तो इसे अब मैं गोल सर्कल आपको कट करके दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने सर्कल के साइज का इधर हमने क्लॉथ कट कर लिया है। अब इसे हमें क्या करना है, इसे सेंटर में रखना है और कुछ क्लॉथ नीचे और कुछ ऊपर करके हमें इसमें स्टिच लगानी है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने सेंटर में दो ब्लैक वाले फॉर्म एडजस्ट कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें इस तरह से स्टिच करना है ताकि सारे क्लॉथ जो है फॉर्म के साथ अटैच हो जाए अच्छे से। इस तरह से 4-5 टाइम हमें एक जगह पे स्टिच करना है और यहाँ पे हमें नॉट लगाना है। इस तरह से यहाँ पे हमें दो नॉट लगाकर इसे कट करनी है। और इस तरह से हमें 5-6 टाइम इसे स्टिच करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे मैंने 5 टाइम स्टिच लगाया है और ये सारे पीसेस आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट हो चुके हैं। तो अब इसके ऊपर जो है हमें एक कवर लगानी है, वो देखिए ये इसके हिसाब से हम 1/2 इंच थोड़ा ज्यादा रखे हैं ताकि ये स्टिचिंग में क्लॉथ जाने के लिए 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा इसे कट किया है। ये अंदर वाले पीसेस को पूरे एक साथ ज्वाइंट कर देंगे और इसे हमें थोड़ा सा इतना खुला रखना है ताकि हम इस पीसेस को अंदर की तरफ स्टफ कर सके। अब हमें इसके फ्रंट वाले के लिए, फ्रंट जो हमें ऊपर की ओर रखना है, उसके लिए हमने यहाँ पे दो पीस कट किए हैं राउंड। तो इस तरह से 4 पीसेस हमें कट करने हैं, 2 अंदर के लिए, 2 बाहर के लिए। तो अब जो चेयर में हमें ये कवर हम लगाएंगे, इसके बाद हमने कुछ इसे डोरी के लिए रखा है इस तरह से। इसकी चौड़ाई जो है ये 1.5 इंच है और लंबाई जो है 50 सेंटीमीटर। थोड़े छोटे छोटे हमें डोरी के हिसाब से इसे कट कर लेने हैं। और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे फ्रिल डिजाइन दे रही हूँ मैं, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने सेम इसी क्लॉथ के फ्रिल बनाए हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप 3 इंच के क्लॉथ ले लें लंबाई में और इसे लास्ट में हमें यहाँ पे पूरा मोड़ लेना है इस साइड, और इस साइड जो है इस तरह से 1/1 करके हमें फ्रिल बनानी है। तो फ्रिल की ये डिजाइन बन जाएंगी। फ्रिल बनाना बहुत ही इजी है। तो अब मैं इसे अंदर वाले क्लॉथ को और ऊपर वाले क्लॉथ को स्टिच करके दिखाती हूँ। दोनों पोर्शन में हमें इतना इतना खुला जरूर रखना है, इसे बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ मैंने फर्स्ट वाले कवर जो है इसमें लगा दिए हैं और इस साइड यहाँ से यहाँ मैंने ओपन छोड़ा था, इसे मैंने बाद में स्टिच किया है। देखिए इस तरह से ये अब अंदर वाले कवर में सारे पीसेस एडजस्ट हो गए हैं। अब इसके ऊपर का फ्रंट कवर हमें लगाना है। तो फ्रंट कवर के लिए हमने इस कलर के क्लॉथ कट किए थे, इसकी स्टिचिंग हमने कर ली है। इसे स्टिच करने के लिए हमने 2 पीस को आपस में ऐड किया है और यहाँ जो हमने फ्रिल लगाया है ये फ्रिल आपको बीच में रखना है इस तरह से। फर्स्ट पीसेस, फिर अगेन फ्रिल यहाँ रखना है हमें। इसकी स्टिचिंग बहुत ही सिंपल है इस तरह। दूसरे पीस जो है इसके ऊपर इस तरह लगाने हैं हमें और पूरा स्टिच किया है हमने यहाँ से। और जो डोरी हमने यहाँ पे कट किया था वो 2 यहाँ पे हमने स्टिच किया है और 2 इस साइड स्टिच किया है।
और इसे बनाने के बाद आप इसे फ्रंट साइड कर ले और इस तरह ये इसके फ्रिल होंगे और इसके कवर होंगे। तो अब मैं आपको इसमें कवर लगाकर दिखाती हूँ। इसे इस तरह आप हल्के से फोल्ड कर ले और जहां पे स्पेस थोड़ा सा हमने छोड़ा है उसके जरिए हमें इसे अंदर की ओर पुश करना है। इसे कवर लगाकर अब मैं आपको चेयर के ऊपर इसे दिखाती हूँ। अब आपको इसकी स्टिचिंग बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी। इसके जरिए हमने इसे अंदर की ओर पुश किया है और देखिए अब ये जो नेक्स्ट झालर है इसे हम इस पीस में जोड़ेंगे तो ये पूरा चेयर में आ जाएगा और इसे आप फ्लोर कुशन की तरह भी आप यूज कर सकते हैं, इस तरह यहाँ तक। और मैं इसे चेयर में लगा रही हूँ तो मैं अब यहाँ से इसे कट कर दूंगी और ये जो है चेयर में लगाने के बाद इसे बैक साइड हम इसे बांध देंगे। तो अब मैं इसे आपको चेयर में लगाकर दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और इस कुशन को हमने चेयर पे लगा दिया है। तो आप देख सकती हैं फ्रिल डिजाइन कितनी उभर कर आई है। तो फ्रेंड्स, इसे आप जरूर ट्राई करें, जरूर बनाएं। और बैक साइड जो हमने डोरी लगाई है उसे भी आप देखें, इस तरह से हमने बैक साइड इसे बांधा है ताकि कुशन जो है चेयर से सरक ना सके। इसे आप जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स, इसे बनाने में बहुत ही कम खर्च है, घर में रखे हुए कपड़ों से ये बन जाते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को और एक छोटी सी कमेंट जरूर लिखें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।